हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। ये सुबह का समय है, अभी बना रहे हैं सब्जी, कद्दू की सब्जी बना रहे हैं आज। तो अभी कद्दू को धुल के अच्छे से काट लिए हैं, और ये इमली रात में भिगोना भूल गए थे, तो इसको गर्म पानी में थोड़ा सा गर्म करके फिर अभी डाल दिए, ताकि तुरंत थोड़ा सा फूल जाए तो इसका रस्सा निकाल के कर लेंगे। और आज प्लेन बना रहे हैं बिना लहसुन प्याज के। तो अभी तेल गरम हो गया है, सरसों तेल में ही बनाते हैं हम लोगों को, उसी में अच्छा लगता है। तो जीरा डाल के और हरा मिर्चा डाल के कद्दू डाल देंगे। बहुत बड़ा बड़ा नहीं काटे हैं, क्योंकि अभी इसमें भी ये भी बनाए थे तो मिस्टर को, इसमें भी थोड़ा थोड़ा जैसे रह गया था, तो वो भी कह रहे थे कि कितना बड़ा बड़ा कद्दू रखी थी। अभी इधर इमली को भी अच्छे से मिला के उसका रस्सा निकाल लेंगे, और थोड़ा सा कद्दू को भूनते रहेंगे। और प्रॉपर भूनने का नहीं दिखाते, क्योंकि देखिए आपको भी पता है कि अगर आप प्रॉपर भूनेंगे तो काफ़ी समय लगता है। तो वीडियो का रहता है दिखाने का कि आपको, मतलब वीडियो भी आपके पास पहुंच जाए, बहुत ज़्यादा भी ना हो, तो स्किप कर करके दिखाते हैं। तो अभी इसमें हल्दी पाउडर और गरम मसाला डालिए, बहुत थोड़ा सा डाले हैं मसाला, बहुत कम। फिर उसको भी थोड़ा सा अच्छे से भून लेंगे। ज़्यादातर भंडारे में या कोई भी नवरात्रि हो, इस तरह में इसी तरह की सब्ज़ी बनती है, लहसुन प्याज नहीं डालना रहता है। तो अभी इसमें इमली का वो भी डाल दिए हैं, रस्सा जो रखे थे, और थोड़ा सा गुड़, देख रहे हैं आप, बहुत कम गुड़ डाले थे, और नमक डाल के, और गुड़ को उसी में अभी पानी में ही थोड़ा सा, पानी तो खैर बिल्कुल नहीं डाले थे, इमली वाला जो था वही, और ये हल्का सा ऊपर से मीट मसाला बिल्कुल आधा चम्मच है, चम्मच देख रहे होंगे, बहुत छोटा है। तो अभी इसको ढक के रख देते, थोड़ी देर पकेगा। इधर तब तक आटा भी लगा लिए थे, क्योंकि सुबह का काफ़ी जल्दी जल्दी का काम रहता है। खैर ये सब तो बताने की ज़रूरत नहीं होती है, हम हाउसवाइफ सबको पता होता है कि हम लोगों का काम सुबह का कितना जल्दी जल्दी का रहता है। और सुबह एक तो शरीर खुलती नहीं है, ऊपर से तुरंत किचन में आ जाना तो काफ़ी दिक्कत होती है। अभी ये मुझे नमक कम लग रहा था, तो थोड़ा सा और डाल दिए थे। और इधर सब्जी को दूसरे वाले गैस पे कर दिए हैं, इधर रोटी भी साथ में बना लेते हैं, क्योंकि काफ़ी देर हो रहा है। और पहले से देखिए कैसरोल में रोटी रखी हुई है, रात में एक रोटी बच गई थी, तो उसको उसी में अभी रखे हुए हैं, पहले इनके लिए बना लेंगे रोटी। और नाश्ता तो बिल्कुल कुछ भी नहीं करते हैं, केवल टिफ़िन लेके जाते हैं, क्योंकि सुबह सुबह इतना जल्दी 6:30-7:45 के लगभग में निकल जाते होंगे, बहुत देर में जाते होंगे, इतना 6:45, नहीं तो 6:30 में। अब इतना सुबह सुबह जल्दी जल्दी इतना नहीं खवाता है। और टिफ़िन का भी क्या रहता है, इतना छोटा सा टिफ़िन है कि उसमें छोटी छोटी चार रोटी डालो, मतलब ये रोटी तो अभी खैर बड़ी वाली बना रहे हैं, छोटी छोटी चार रोटी डालो तो मतलब क्या होता है उससे, लेकिन वही है कि उतना से ही, अब जहाँ कुछ नहीं मिल रहा है तो उसमें वही ज़्यादा है, तो लेकिन उतना से ही रहता है कि वहाँ तो खैर रहता है कि बार बार, मतलब चाय नाश्ता ये सब तो खैर होता रहता है, उसका उतना नहीं रहता है, नाश्ता वाला चीज़ तो ये नहीं करते हैं, हाँ चाय पी लेते हैं। तो अभी रोटी बना लेते हैं पूरा, और उधर सब्ज़ी भी बीच बीच में देख रहे थे कि पका कि नहीं, और कुछ थोड़ा ज़्यादा ही पकाना पड़ता है, क्योंकि खाने में मेरे हस्बैंड का भी बड़ा नखरा रहता है, थोड़ा सा भी बड़ा। अब इतना में इसको अच्छे से मैश नहीं किए थे, तो मतलब कह रहे थे कि कितना बड़ा बड़ा कद्दू डाली थी। धनिया पत्ता डाल के लगभग पक गया है। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सुधा फैमिली ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। अभी आज सुबह के अभी 10 बज रहे हैं, सारे काम ख़त्म हो गए हैं, कोई भी काम अभी बचा नहीं है। अभी देखिए चना लाना भूल गए, सोचे थे चना, वही मेरा नाश्ता बचा है। अभी चाय तो इनके साथ ही सुबह पी लेते हैं, और सुबह उठने से काम इतने जल्दी, झाड़ू पोछा, फ्रिज भी साफ किया आज अच्छे से, फ्रिज की भी क्लीनिंग हो गई, और लगता है ना कि कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। और दूसरे दिन अपने आप कल ही दिख गया, कल लगा किचन साफ़ किए तो फिर लगा कि नहीं फ्रिज भी है, इसको भी कर देते हैं, तो हो गया। और बाकी तो बेड का, कमरा का, ये सब तो रेगुलर का है, तो ये सब बहुत नहीं लगता, मेन टार रहता है, ये सब रहता है, तो ये सब हो गया है तो उतना नहीं है। लेकिन अब देखिए आज पता नहीं दिन भर में आज भी कुछ और याद आ जाए। वैसे आज तो, आज खैर जाना है, बाहर जाना है, कल भी जाना था खरीदारी करने, बट नहीं मिला इनको समय तो नहीं गए। और गए थे मोहल्ले में, होली की पार्टी अभी चल रही है हम लोगों की, अभी कल एक थी, एक कल है,
हम भी सोचे थे कि फिर बुलाएं सबको अपने यहाँ, क्योंकि उस समय दो चार लोग ही थे। बहुत लोगों का होता है ना, अपने मायका होता है यहीं पे लोकल में, तो मायके चले गए, कहीं और चले गए, तो इसी वजह से फिर सोचे थे कि बुलाएं, लेकिन अभी इधर बीच मेरा हो गया है कि मेरे पास समय नहीं है, रोज़ का होगा, शाम का बाहर जाना है, ख़रीदारी करना है, इधर भी थोड़ा ज़्यादा ही लगना है, तो फिर क्या है कि नहीं, हम कैंसिल करते हैं, नहीं करेंगे, क्योंकि फिर उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो ज़्यादा देखना ज़रूरी है। तो अभी काम फाइनली सब कुछ ख़त्म हो गया है, सब्जी बनाए थे, वीडियो तो खैर बहुत पहले से स्टार्ट कर दिए हैं, कद्दू की सब्ज़ी बनाए थे, आज केवल कद्दू बनाए थे, उसमें आलू नहीं डाले थे, हमेशा आलू डालते हैं, लेकिन आज क्या है कि जैसे भंडारे में बनता है ना, लेकिन वहाँ रहता है कि छिलका भी रहता है साथ में उसमें कद्दू में, और घर पे बनाए थे तो छिलका नहीं था, क्योंकि मिस्टर वहाँ खा लेते हैं, कभी भंडारे में खाएंगे तो वहाँ छिलका वाला रहेगा, मतलब निकाल देते हैं, लेकिन मतलब रहेगा तो निकाल के खा लेंगे, घर पे नहीं रहना चाहिए। तो और मुझे भी वैसे छिलका नहीं पसंद है, तो बिना छिलके का बनाए थे, और लहसुन प्याज कुछ भी नहीं डाले थे उसमें। अभी दाल चावल बनाना है, दाल तो अभी 11 बजे तक चढ़ाएंगे, अभी जाना है बच्चों के स्कूल, बच्चों के काम से नहीं जाना है, बगल में एक जना है उनके बच्चे का काम, मतलब एडमिशन का बात करना है, तो बोली है, तो हम कहे अच्छा 10:30 बजे तक चलते हैं, बच्चे अभी नहा रहे हैं, बच्चों को नाश्ता दे दें फिर चलेंगे। और आज सोच रहे हैं हाथ का काम जो मशीन का है दोपहर में वो ख़त्म कर लें दोनों का, क्योंकि अभी इधर ख़रीदारी करेंगे तो फिर अपने लिए भी फिर साड़ी हो सकता है लेना हो तो, मतलब लेना नहीं है लेकिन पसंद आ जाए, नहीं होता है कि बहुत सारी ख़रीदारियाँ करो तो उसमें अपने लिए भी लगता है ये भी ले लेते अपने लिए भी, तो वैसे है कि शायद मेरे लिए एक साड़ी हो जाए, एक ही लेंगे अगर बहुत होगा तो उसका भी फिर करना होगा, सब कुछ कंप्लीट करना होगा, तो इसका सोच रहे हैं कंप्लीट कर लें। और फाल वाला तो वो वाली साड़ी का इधर नहीं पहनना है उसको, तो सोच रहे हैं उसको अभी रहने दें, जो ज़रूरी है वो कर लें। तो चलिए फिर अभी चना और मूंग रखा हुआ है, नाश्ता कर लेते हैं फिर जाते हैं बाहर। ये बना रहे शाम का नाश्ता, तो शाम को मतलब ये वीडियो आज का नहीं है, एक दो दिन पहले का है, तो शाम को कुछ मुझे अलग सा कुछ तीखा भी और कुछ अलग खाने का मन कर रहा था, तो समझ में नहीं आ रहा था, पहले तो इनको फ़ोन किए तो बोले कि कुछ लेते आइए, फिर लगा कितना कुछ घर में रखा हुआ है, तो वही बना लिए थे, ये बेसन का जो सेब निकाले थे होली पे, और मैदे का जो मठरी है दोनों को मिला के, और नींबू, नमक, मिर्चा अभी तो इसमें नहीं डाले हैं क्योंकि बच्चे के लिए निकाल रहे हैं, तो इसमें टमाटर नहीं डाले हैं, मिर्चा नहीं डाले हैं, ताकि ओम के लिए निकाल दें, देव का तो खैर इसमें भी नखरा रहता है वो नहीं खाते, लेकिन ओम मेरे खा लेते हैं, तो ये कटोरी में पहले ओम के लिए निकाल देंगे, फिर टमाटर और मिर्चा अलग से काट के रखे, तो बहुत टेस्टी बना था। आप लोग भी ऐसे बहुत लोग बनाते भी होंगे, अगर जो नहीं बनाते होंगे एक बार बना के ट्राई करेंगे, बहुत बहुत मतलब अच्छा लग रहा था। और वैसे तो बाजार में मिलता है ये, तो अभी गर्मी लग रही है तो मेरी आवाज़ काफ़ी लटपटा रही है, वॉइस ओवर के लिए अभी पंखा बंद किए हैं, और ये कोल्ड ड्रिंक भी मंगाए थे, मुझे कोल्ड ड्रिंक पीने का मन कर रहा था तो मंगाए थे, अभी इसको मतलब थोड़ा गर्म है तो फ्रीज़र में रख देते हैं, तब तक ये खाएंगे तब तक ठंडा हो जाएगा। गुड इवनिंग, अभी शाम का समय हो रहा है, सो के उठ गए और अभी बाल बना लिए, जा रहे वही जो बताए थे शॉपिंग करने, खरीदारी बहुत सारा करना है तो वही जा रहे हैं, आज उनको समय मिल गया, वो भी रहता है ना कि पता नहीं उनको समय मिले कि नहीं, अभी 5 बज रहा है तो अभी फ़ोन आया था कि आ जाओ, तो जा रहे हैं। और इससे पहले जो आप वीडियो देखे वो मेरा एक दो दिन पहले का नाश्ता था, तो बहुत बहुत टेस्टी बना था, और ये नाश्ता बाज़ार में हम लोग जाते तो मिलता है, क्या बोलते हैं उसको, पपड़ी सेब बोलते हैं या क्या बोलते हैं नहीं पता, लेकिन हम लोग खाए हैं एक दो बार, तो उसमें क्या रहता है ना कि इस तरह के मठरी नहीं रहते, गोल रोटी की तरह बहुत बड़ा सा मठरी रहता है, उसको ऐसे तोड़ के और फिर उसमें सेब डाल के और फिर यही सब डाल के देते हैं, तो काफ़ी टेस्टी लगता है। और यहाँ पे घर में रखा हुआ था ना तो सेब बिल्कुल खाया नहीं जा रहा था, वैसे सेब वाली नमकीन जो बनाए हैं तो वैसे ही रखी हुई थी, तो
क्योंकि मठरी भी इधर भी रखा हुआ, तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, और कुछ स्पाइसी खाने का मन कर रहा था तो उसको बना लिए थे, बहुत अच्छा लग रहा था। तो वो पहले का वीडियो था तो हम कहे आज ऐड कर देते हैं, और इतना अच्छा बना था कि फिर लगा कि आपके साथ भी शेयर करना चाहिए। तो अभी इसी के साथ वीडियो का भी एंड करते हैं, क्योंकि जा रहे हैं तो पता नहीं कब तक आएंगे, और फिर खाना पीना का भी कुछ भी भरोसा नहीं, डिपेंड करता है कितने बजे आते हैं उसके ऊपर। तो अगर आज की मेरी ये वीडियो पसंद आएगी तो एक लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।